गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केडी कॉलेज चाकसू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार सोनी। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो अपना टॉपिक पहले चल रहा था, टेंस। आज हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव निगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब ट्रांसलेशन तो करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी यूज करेंगे, प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ेंगे। My uncle always brush before breakfast. Number two. We never tell, sorry, we never tell a lie. Seema worship Lord Shiva, Shiva every morning. ठीक, उसके बाद अगला, यू ब्लैंक स्पेस, यू रियली नो How to drive? They seldom. Join school meetings. Suresh sometimes go to market. अनुष्का
नॉट वॉश यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स में बोले तो बर्तन, जो घर के बर्तन होते हैं। ध्वजरोहण कॉर्पोरेट यू व्हेन नीड, नंबर 9 ललित फादर जनरली स्पीक हिंदी, वेयर यू लिव, द सन इन द वेस्ट, अब माय अंकल ऑलवेज ब्रश बिफोर ब्रेकफास्ट, क्या ये एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें ऑलवेज, ऑलवेज देखते ही प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हु इज द सब्जेक्ट, अंकल, माय को नहीं देखना, माय को देख के कहीं आप जो है प्लूरल लगा दें, अंकल है, अंकल है थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन आते ही एस या ईएस, एस आएगा ईएस, इसमें दिया हुआ है एस एच इसलिए लगाएंगे ईएस। ब्रशेज वी नेवर टेल अ लाई, वी प्लूरल, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्लूरल है इसलिए टेल एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट सीमा ब्लैंक स्पेस वर्शिप लॉर्ड शिवा एवरी मॉर्निंग, एवरी प्लस टाइम जैसा कि आपको पहले बताया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस आई एस क्या आएगा एस, वर्शिप। नेक्स्ट यू रियली नो हाउ टू ड्राइव, नो वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज की जाती है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सेंटेंसेस, कुछ अपवाद को छोड़कर, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही यूज आएगी, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सॉरी, तो हेल्पिंग वर्ब डू यू रियली नो How to drive? They seldom, seldom. मतलब present indefinite, subject plural, ऐसे ये कुछ भी add नहीं करेंगे, सीधे सीधे ये join. Next, अनुष्का
ब्लैंक स्पेस नोट वॉश यूटेंसिल्स, अनुष्का बर्तन नहीं धोती हैं। कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ नहीं है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एस और यस। आएगा या नहीं? नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी डू और डज। तो डू और डज में से आप ये देखिए कि एस या यस किस में ऐड कर रखा है। यहाँ ऐड कर रखा है मतलब ये एकवचन के लिए, ये बहुवचन है विदाउट एस और यस, तो यहाँ लगाएंगे हम डज। ये डज नॉट वॉश। सुरेश समटाइम्स गो टू मार्केट, समटाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, सब्जेक्ट सिंगुलर, सुरेश गोज। ब्लैंक स्पेस रोहन, ब्लैंक स्पेस कोऑपरेट, यू वेन नीड। ठीक है, सीधे सीधे सेंटेंस है कि करता है या नहीं करता है आपको हेल्प। कौन? रोहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या आएगा? डज। डज रोहन कोऑपरेट। नेक्स्ट, ललित फादर जनरली, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जनरली डज। हाँ सर, ललित फादर जनरली स्पीक या स्पीक्स? स्पीक्स। ठीक, वेयर ब्लैंक स्पेस यू लिव, तो वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट, द सन, सबको पता होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब सार्वभौमिक सत्य है। मतलब अगर ऐसा समझ नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया हुआ नहीं है और सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, तो वर्ब में ऐसे यस तो लगाना ही बनता है। तो राइजेज, ओके, आप उतारिए बैठ के स्कूल तक। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उतारने के लिए टाइम कम होता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि 5 मिनट और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को मिलेगी। ओके, अब हम करेंगे इसकी सेंटेंस मेकिंग। एक चीज़ और आप देखिए, सेंटेंस मेकिंग बाद में आएंगे, पहले कंडीशन नंबर एक तो आपकी हो चुकी है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में, नंबर दो कि जहां स्पष्ट रूप से कोई क्रिया घटित होती हुई दिखाई नहीं दे, बल्कि कोई स्थित या विद्यमान चीज दिखाई दे। जो लगभग प्रेजेंट पास्ट
फ्यूचर तीनों में समान गति हूँ। जैसे वह राकेश है, वह कल भी राकेश था, आज भी राकेश है, कल भी राकेश रहेगा, ये होती है ऐसी स्थिति मतलब। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है या नहीं? कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। आप कम से कम 3 दिन पे तो डाल के देख लीजिए, 3 दिन पे डाल के देख लीजिए आप, बीता हुआ कल, आज का दिन और आने वाला कल। ज़्यादा गहरे में नहीं जाए, यहाँ तक तो आप रहें सही कम से कम। अब ऐसी स्थिति में लास्ट में आने वाले है, हूँ, हो इत्यादि शब्दों के लिए लिंकिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। आप इसमें यह भी देख लीजिए, इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। इज लगता है आपके, ये इज, ये एम, ये आर। इज लगता है आपके सब्जेक्ट अगर ही हो, शी हो, इट, नेम। नेम का मतलब केवल एक ही नाम, एक ही पर्सन। एम लगेगा आई के साथ, शेष बचे हुए वी, यू, दे और नेम्स के साथ आ रहता है। अब फॉर्मूला वही रहेगा, पहले क्रिया देखते थे क्या क्रिया, अब यहाँ देखना है केवल है, हूँ, है, जो भी है। अब है तो कौन है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और कौन है वो क्या है। जैसे जयपुर है, कौन है, जयपुर है, जयपुर है, क्या है, राजस्थान की राजधानी, तो वो लास्ट में डाल देंगे ऑब्जेक्ट मानकर। वैसे ऑब्जेक्ट होता नहीं है, है क्या वो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का दूसरा रूप। मतलब जो जयपुर है वही राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी बोलो या जयपुर बोलो बात एक ही है। वह राकेश है तो राकेश ही रहेगा, राकेश, वह और राकेश दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। पहला सेंटेंस आपका, वह राकेश है, वह राकेश है, तो वह हो गई इज, कौन है वह, वह है, क्या है वह, राकेश। ठीक, अगला, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो क्या बनेगा, जयपुर है,
जयपुर इज, अब राजधानी को क्या बोलेंगे, कैपिटल इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आप कह सकते हैं सर द क्यों लगाया बीच में, आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कंडीशन आती है कि नाउन ऑफ नाउन अगर आता है, नाउन राजधानी ऑफ नाउन अगर आता है तो उसके ठीक पहले हम हमेशा ही आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सुरेश मोहन का भाई है, मोहन का छोटा भाई है। तो कौन है, सुरेश है, तो सुरेश इज अब मोहन का, ऑफ नहीं लगाएंगे, सजीव इंसान के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, मतलब नाम के आगे ऊपर कोमा और एस, इज मोहन्स यंगर ब्रदर। और ये जो आपके इज एम आर मैंने बताई थी वो क्या होती है, बी की फॉर्म्स, बी की प्रेजेंट फॉर्म्स। क्या क्या होती है, इज एम आर, ओके, मतलब ब्रैकेट में जब आपको बी दिया हुआ हो केवल, तो समझना है कि वो सेंटेंस इस कंडीशन वाला है जिसमें कि हमें विदाउट यूजिंग एनी मेन वर्ब वी हैव टू यूज जस्ट अ लिंकिंग वर्ब विच विल कम फ्रॉम द वर्ड बी, जो कि बी शब्द से निकलकर बाहर आएगी, ओके। इसके एग्जांपल अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेथड। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके अंडर ग्रेजुएशन यूजी बीए बीएससी बीकॉम बीसीए में जो कॉमन पेपर चलता है, कंपलसरी पेपर चलता है, उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। और यही टॉपिक अगर आपके किसी एग्ज़ाम में भी आता है तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एक अक्षर भी एक शब्द भी बाहर आने वाला नहीं है, इतना आप पक्का मान के चलें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप लेंगे, इंग्लिश में आते हैं सीधे, सुनील अ डॉक्टर। नेक्स्ट, आई है शॉपकीपर। ठीक, मिस्टर शर्मा
अ गुड ओरेटर, ओरेटर बोले तो वक्ता। अब आप देखिए, एक और देख लीजिए, दे चैन स्मोकर्स, चैन स्मोकिंग करने वाले। इसकी डिटेल बताने की आपको आवश्यकता मैं नहीं समझता, सब समझते हैं आप। नेक्स्ट, अब देखिए आप, सुनील ब्लैंक स्पेस बी अ डॉक्टर, बी आते ही समझ रहे हैं आपको कि प्रेजेंट फॉर्म डालनी है आपको। पास्ट भी डाल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि कल भी डॉक्टर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। या फिर आप ऐसे पहचान देख लीजिए कि इसकी कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दी हुई नहीं है, इसलिए भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही माना जाएगा। लेकिन इसके साथ डू डज नहीं लगाएंगे, ऐसे यस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब दी हुई नहीं है, इसलिए हम केवल बी की फॉर्म इज एम आर का ही यूज करेंगे। तो सुनील इज, आई एम, मिस्टर शर्मा इज, दे आर, ओके। अब इसके बाद हम यूज करेंगे फॉर्मल सब्जेक्ट दे और, सॉरी देयर और इट का यूज। आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ऑनलाइन पढ़ाई जो आपकी केडी कॉलेज के द्वारा की जा रही है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें।